डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, विच इज अ पार्ट ऑफ सीबीएसई क्लास 11 सिलेबस। तो देखो, क्लास 11th और क्लास 12th के सिलेबस में तो ये है ही, साथ ही साथ बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जिसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए इन सारे स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं इन सारे टॉपिक्स की नॉलेज जो है वो होनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली जब इन फ्यूचर जब आप कंप्यूटर साइंस के बारे में पढ़ते हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हो, तो ये जो है वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इसीलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर से स्टार्ट कर रहे हैं। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्रामड टू एक्सेप्ट डेटा विच इज अ इनपुट, प्रोसेस इट एंड जनरेट रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड अ आउटपुट। तो सिंपल सी बात हम कर रहे हैं कि कंप्यूटर सिस्टम है क्या अपने आप में। कंप्यूटर है अपने आप में, क्या है? इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि एक्सेप्ट क्या करता है, इनपुट एक्सेप्ट करता है। बहुत सारे डिफरेंट इनपुट डिवाइसेज हैं जो हम अभी बात करेंगे नेक्स्ट में, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, तो वहां से क्या कर रहा है, एक इनपुट जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एक्सेप्ट करता है और उसको कन्वर्ट करता है आउटपुट में। और कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, जो चीज हमने यहां पे लिखी क्या हमें एज इट इज दिखानी है, हो सकता है हमें एज इट इज भी दिखानी हो या फिर हमें उसको कुछ प्रोसेस करके दिखानी हो। एज इट इज मतलब जैसे हम कंप्यूटर पे सिंपली कुछ टाइप करते हैं तो वो मॉनिटर पे दिखता है साथ, तो वो हम एज इट इज भी दिखा सकते हैं, या फिर अगर मुझे कुछ कैलकुलेशन करनी है तो मैं वो कैलकुलेशन करके प्रोसेस करके भी आउटपुट को दिखा सकता हूं। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है कंप्यूटर सिस्टम की। और कंप्यूटर सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें मेन आपके चार कंपोनेंट्स आते हैं। एक तो इनपुट डिवाइसेस आ गए, फिर आ गया आपका प्रोसेसर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज अ प्रोसेसर सीपीयू। देन अगर हम बात करें, तीसरा आ जाता है आपका आउटपुट, और चौथा आ जाता है आपका मेमोरी आर्किटेक्चर, डिफरेंट काइंड ऑफ मेमोरीज जो है वो यहां पे आ जाती हैं। तो ये चार जो है वो मेन कंपोनेंट्स है। अ कंप्यूटर दैट इंक्लूड हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज द मेन सॉफ्टवेयर एंड पेरिफेरल इक्विपमेंट्स नीडेड एंड यूज फॉर द फुल ऑपरेशन। कहने का मतलब क्या है, हार्डवेयर में हम लोग किसकी बात करते हैं, जैसे इनपुट डिवाइसेज है, कीबोर्ड है, टेंजिबल डिवाइसेज है, कीबोर्ड है, माउस है, या फिर आउटपुट डिवाइसेज है लाइक प्रिंटर है, मॉनिटर है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है बेसिकली, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसका मेन पर्पज क्या है, यूजर डिफरेंट हार्डवेयर से कैसे कम्युनिकेट करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। जैसे सिंपल से एग्जांपल देता हूं, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो विंडोज को हम लोग यूज करते हैं, लिनक्स को यूज करते हैं, मोबाइल की बात करें तो हम एंड्रॉइड को यूज करते हैं, आईओएस को यूज करते हैं, ये सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस हमारे भाई इनपुट डिवाइसेस को भी बोल देते हैं, आउटपुट डिवाइसेस को, या फिर मेमोरी की अगर हम बात करें तो मेमोरी, डिफरेंट काइंड ऑफ मेमोरीज। यहां पे सिर्फ हम हार्ड डिस्क की बात नहीं कर रहे, यहां पे हार्ड डिस्क भी है, यहां पे एसएसडीज की भी बात होगी, यहां पे कैश मेमोरी की भी बात होगी, यहां पे रजिस्टर की भी बात होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट रैम की भी बात होगी, मेन मेमोरी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे करके हम सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। अ कंप्यूटर सिस्टम विल ओनली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस दैट द यूजर इनपुट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आजकल हम बात करते हैं एआई बेस्ड सिस्टम में, जहां पे हम कहते हैं कि मशीन खुद से सीखेगी, मशीन खुद से लर्न करेगी, लेकिन जो बेसिक कंप्यूटर सिस्टम है उसका पर्पस यही है कि यूजर ने जो इनपुट दिया उसी इनपुट के अकॉर्डिंग जो है वो आउटपुट जनरेट करे। तो ये सिंपल एक आर्किटेक्चर आप बोल सकते हो, डायग्राम बोल सकते हो, इनपुट आ गई, आउटपुट डिवाइस आ गए, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आ गए लाइक योर हार्ड डिस्क आ गई, ठीक है, या फिर पहले आते थे टेप ड्राइव्स वगैरह हम यूज करते थे, मैग्नेटिक डिस्क यूज करते, वो आ गया। प्राइमरी मेमोरी दैट इज योर रैम which is very very important। then अगर हम बात करें प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर या फिर सीपीयू की बात करें तो उसमें हमारे दो components आ जाते हैं, control unit और एक ALU, arithmetic logical unit, जिसका काम क्या है, arithmetic instruction, जैसे calculations करनी है, addition करना है, subtraction करना है, multiplication, वो सारे काम इसने करना है, logical calculations करनी है, and और वो सारा। control unit इन सारी चीजों को control करना, मतलब हमने कुछ input, मतलब जैसे keyboard से press किया, वो सारी चीज मेरे output monitor पे दिख रही है, तो ये चीजें जो सारी एक दूसरे से कनेक्टेड है उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो सीक्वेंशियली कैसे हम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं वो कंट्रोल यूनिट का पार्ट है। टाइमिंग सिग्नल्स को जनरेट करना, क्लॉक सिग्नल्स को जनरेट करना, ताकि सारे डिवाइस सिंक्रोनाइज तरीके से प्रॉपरली वर्क कर सके, तो वो कंट्रोल यूनिट का काम। तो ये सारे जो है वो बेसिक कंपोनेंट्स हैं। देन अगर हम बात करें द मेन पार्ट दैट इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, जिसको हम प्रोसेसर भी बोल देते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी बोल देते हैं, 8085, 8086,
इंटेल प्रोसेसर, पेंटियम 4 हम बात करते हैं या फिर कोर 2 ड्यूल कोर बात करते हैं, या जैसे अब आजकल हम i3 i5 i7 की बात कर रहे हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके प्रोसेसर के। तो सीपीयू इज कंसीडर्ड एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सारे काम इसी ने करने हैं, सारी प्रोसेसिंग इसने करनी है, सारी की सारी कैलकुलेशंस जो है वो इसी ने करनी है। और इसका अगर हम बात करें, इसकी जो चिप है, जो सीपीयू हमारा जो है वो मेनली साथ में इसके क्या होते हैं, एक तो फास्टेस्ट मेमोरी डिवाइसेस है, दैट इज द रजिस्टर्स, लेकिन बहुत स्मॉल इन साइज है। लेकिन इसके साथ साथ ये काम करता है किसके साथ मिलके, मेन मेमोरी, बिकॉज मेन मेमोरी जो है वो बहुत फास्ट है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी मेमोरी। तो जो चीज हमने सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया हुआ परमानेंट, तो सीपीयू वहां पे जाके उसको एग्जीक्यूट नहीं करता। सेकेंडरी मेमोरी से हम पहले डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को कहां पे बुलाते हैं, मेन मेमोरी में बुलाते हैं, और मेन मेमोरी में बुला के उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं सीपीयू से। तो ये बेसिक सी कहानी है आपके सीपीयू जो है वो कैसे वर्क करता है। देन अगर हम बात करें इनपुट डिवाइसेस की, तो इनपुट डिवाइस वही हो गया आपका सिंपली डिवाइसेस, दे इनेबल द यूजर टू सेंड द डेटा इंफॉर्मेशन और द कंट्रोल सिग्नल टू द कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर की तरफ अगर मुझे कुछ भेजना है डेटा, तो उसके लिए हम कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बारकोड स्कैनर, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, ये डिफरेंट आपने कहीं ना कहीं यूज भी किए होंगे, तो ये आपने कहीं ना कहीं देखे भी होंगे, यूज करते हैं। इवन आजकल तो और ज्यादा एडवांस हो गया सिस्टम, वॉइस असिस्टेंट भी आने लगे, जैसे सीरी की बात कर लो या एलेक्सा की बात कर लो, गूगल असिस्टेंट की बात कर लो, जहां पे हम बोल के भी इनपुट अपनी जो है वो दे सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके इनपुट डिवाइस। देन अगर हम बात करें आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस में अगर आपको पूछ लें स्लोएस्ट इनपुट डिवाइस कौन सा है, वो है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड इज द स्लोएस्ट इनपुट डिवाइस। देन आउटपुट डिवाइस की बात करें तो पेरिफेरल डिवाइसेस विच इज यूज टू डिस्प्ले द थिंग्स, प्रोजेक्शन द थिंग्स। तो यहां पे मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में चीजों को दिखाना, ताकि ह्यूमन जो है, यूजर जो है, वो अच्छे से उसको पढ़ सके, देख सके, अंडरस्टैंड कर सके। तो यहां पे हमारे पास आ जाते हैं मॉनिटर, सबसे ज्यादा जो हम लोग यूज करते हैं प्रिंटर, ये दो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। जैसे कीबोर्ड और माउस वहां पे सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं, ऐसे ही मॉनिटर और प्रिंटर आपके आउटपुट में सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं। स्पीकर्स हो गए, प्रोजेक्टर्स हो गए, प्लॉटर्स, ये सारे के सारे हम डिफरेंट डिफरेंट यूज करते हैं। इनमें अगर हम बात करें सबसे स्लोएस्ट, तो आप बोल सकते हो प्रिंटर इज वन ऑफ द स्लोएस्ट। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज है जो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, अभी एक बार भी हम लोग सारे नहीं, क्योंकि प्रिंटर्स के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स के ऊपर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है या फिर लेजर प्रिंटर है या फिर आजकल जो 3D प्रिंटर्स कैसे वर्क करते हैं, वो सारा हम लेटर ऑन देखेंगे। देन इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, यहां पे क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स को, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, कि इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले 500 BC के टाइम, ये टाइमलाइन है, मतलब टाइम इस तरीके से बढ़ रहा है, तो पहले अबेकस सिस्टम आया। आपने बहुत सारे सुना होगा कि बच्चे जो है वो अबेकस की क्लास जो है वो लगाते हैं, ताकि मैथमेटिक्स जो है कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर सके। देन पास्कल, बिजार्ले पास्कल ने मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था 2 डिजिट की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, तो ये 1642 में। देन चार्ल्स बैबेज, एनालिटिकल इंजन जो है वो क्रिएट किया, मतलब मैकेनिकल इंजन था जिसका बेसिकली फंक्शन यही था कि हम कैसे कैलकुलेशंस कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट को कैसे हम लोग जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं, वो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट वहां पे दिया। देन टैबुलेटिंग मशीन, हरमन ने ये कैलकुलेशन जो है टैबुलेटिंग मशीन का इन्वेंशन किया, जहां पे पंच कार्ड्स का जो है वो कॉन्सेप्ट आया। पंच कार्ड्स मतलब एक तरह से जैसे कोई भी जॉब हमें सिस्टम को देनी है, तो हम पंच कार्ड्स के थ्रू, पंच कार्ड्स के ऊपर उसको पंच करके और फिर हम लोग प्रोवाइड करते थे। फिर ट्यूरिंग मशीन, यहां पे जो मॉडर्न कंप्यूटर्स का सिस्टम जो है वो आया एक्चुअल में ट्यूरिंग मशीन से। तो ट्यूरिंग मशीन जो एलन ट्यूरिंग, जिन्होंने बहुत आपने सुना होगा मे बी एनिग्मा, जो एनिग्मा एनक्रिप्शन मशीन थी जर्मन, जो 1942 के टाइम पे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो जर्मन ने यूज किया था एनिग्मा कोड, तो एनक्रिप्शन के लिए उन्होंने यूज किया था, तो उस कोड को ब्रेक किया था एलन ट्यूरिंग ने अपनी मशीन से, और वहां से उन्होंने कंप्यूटर्स का जो है, मॉडर्न कंप्यूटर्स का सिस्टम जो है वो यूज करना स्टार्ट किया। फिर आया वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में जहां पे हम लोग बात करते हैं कि जो डेटा है मेमोरी के अंदर ही, प्रोग्राम है मेमोरी के अंदर ही स्टोर होगा और वहीं से सीपीयू को दिया जाएगा, स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर, जो कि वॉन न्यूमन ने दिया, और उसी के ऊपर ये दो सिस्टम बने, एडवेक एंड एनियक।
तो ये 1945 यहां पे यूज कर रहे थे हम वैक्यूम ट्यूब्स का। लेकिन वैक्यूम ट्यूब्स की प्रॉब्लम क्या थी कि वो जो है एक तो पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा थी, हीट भी ज्यादा जो है वो एमिट करते थे। फिर आया कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिस्टर्स का, बेल लैब्स ने इंट्रोड्यूस किया सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को यूज करके, दैट इज अ ट्रांजिस्टर, जहां पे लो पावर कंजम्पशन, हीट भी कम जनरेट हो रही है और कैपेबिलिटी उसकी भी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए ट्रांजिस्टर्स का यूज करना वहां से स्टार्ट किया। और फिर लेटर ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया, सबसे पहले SSSI आए, फिर MMI आए, धीरे धीरे करके उनको मतलब एक ही चिप के ऊपर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को, डायोड्स को, इंट्रूडर्स को, बहुत सारे डिवाइसेस को वहां पे इन्फ्यूज करके और उसको जो है वो चिप में कन्वर्ट किया, ताकि मेरा जो सिस्टम का साइज है वो भी क्या हो जाए, छोटा। और फिर लेटर ऑन अगर हम बात करें 1981 में IBM ने पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया, फिर 84 में मैकिंटोश आया एप्पल का, फिर उसके बाद डोज ऑपरेटिंग सिस्टम 82-83 के टाइम पे, फिर लिनक्स, वो सारा इवोल्यूशन। अगर आप और डिटेल में करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आपको सजेस्टेड में भी आपको वीडियो दिख जाएगी, जहां पे आप और डिटेल में भी अगर पूरा टाइमलाइन देखना चाहते हो वहां से देख सकते हो। देन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर। स्टोर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर बोलते हैं, स्टोर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर का मतलब क्या है, इससे पहले क्या होता था कि जो भी जॉब मतलब जो भी हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है, जो भी हमें जॉब देनी है कंप्यूटर को, वो हम पंच कार्ड्स के ऊपर पंच करते थे लोड करके और फिर सिस्टम को देते थे। अभी इन्होंने क्या बोला कि यार ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें साथ में एक मेमोरी कंपोनेंट लगा देना है और उस मेमोरी कंपोनेंट के अंदर आप जो भी प्रोग्राम देना चाहते हो, जो भी डेटा देना चाहते हो उसके अंदर लोड करो, ताकि इजीली सीपीयू उसको क्या कर सके, एक्सेस कर सके, सीपीयू कम्युनिकेट करके और आउटपुट में जनरेट कर सके। तो ये था एक स्टोर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर। देन इसके ऊपर भी कई बार पूछ लेते हैं, इंटीग्रेशन टेबल की अगर हम बात करें, बेसिक सा फंडा है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, जो आपके 1950s में है, जहां पे नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स की बात करें लेस देन 100। फिर आ गया मीडियम स्केल इंटीग्रेशन 1960 में, 100 से 1000 तक के ट्रांजिस्टर्स एक ही चिप के ऊपर जो है वो लगाने लगे। फिर लार्ज स्केल आया, वेरी लार्ज स्केल आया, फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल आया, और फिर सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जहां पे आप कह सकते हो कि मिलियंस तो वैसे ही आपके VLSI में ही आ गए थे, तो उसके बाद तो अब जो है वो मल्टीपल टाइम्स मिलियंस क्या बिलियंस तक जो है वो वैल्यूज जाने लग गई। तो ये आपका उतना ही सिस्टम का साइज जो है वो छोटा होने लग गया, परफॉर्मेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि परफॉर्मेंस और ज्यादा बेटर जो है वो होने लगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेमोरी आर्किटेक्चर की। थैंक यू।